दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 12 बेस्ट प्लेस मांडू शहर के, जो कि मांडू की आन बान और शान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि मांडू शहर की सबसे अच्छी घूमने की जगह बताने वाला है। हमारे लिस्ट में 12वें नंबर पर है जाली महल। यह रानी रूपमती महल जाने के रास्ते में ही स्थित है। यहाँ पर आप महल में उकेरी गई कलाकृतियाँ देख पाते हैं। 11वें नंबर पर है हाथी महल, जो कि हाथी के पैर की तरह मोटे मोटे पिलर पर बना महल है। यह फोटोग्राफी के लिए एक अच्छी जगह है। 10वें नंबर पर है कारवांसराय। यहाँ राजा महाराजाओं के जानवर जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट बांधे जाते थे। यह बहुत बड़ी सराय है, शायद ही आपने इतनी बड़ी सराय देखी होगी। 9वें नंबर पर है मलिक मुगीस की मस्जिद। यह मांडू की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यह कारवांसराय के एकदम सामने है, जहां कई प्राचीन कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। 8वें नंबर पर है दाई का महल व दाई की छोटी बहन का महल। यह दोनों महल आसपास ही स्थित हैं। दाई, जो कि राजमहल में पैदा हुए बच्चों की देखभाल करती थी, ये उन्हीं के कलात्मक महल हैं। ये भी मांडू की कुछ अच्छी जगहों में से एक है। 7वें नंबर पर है असरफी महल। यह मांडू बस स्टैंड के पास स्थित है। यह काफी ऊंचा व विशाल स्थान है, जहां से लगभग मांडू शहर पूरा देखा जा सकता है। 6वें नंबर पर है जामी मस्जिद। यह असरफी महल के एकदम सामने स्थित है। यह बहुत बड़ी, कलात्मक व खूबसूरत मस्जिद है। यहां ऊंचे ऊंचे पिलर, गुंबद, सिंहासन, बड़े द्वार देखे जा सकते हैं। 5वें नंबर पर है होशंग शाह का मकबरा। यह स्थान जामी मस्जिद के पीछे स्थित है, जहां आप होशंग शाह का मकबरा, बड़ा दालान व कलात्मक बरामदे देख सकते हैं। 4थे नंबर पर है हिंडोला महल। यह जहाज महल के पास स्थित है। दूर से देखने पर यह महल झूले की तरह लगता है, क्योंकि इस महल की बाहरी दीवारें कुछ झुकी हुई हैं। 3रे नंबर पर है जहाज महल। यह महल जहाज की तरह दिखता है, जहां आप महल के साथ साथ बड़ा गार्डन, तालाब, बावड़ी और चारों ओर के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। यह फोटोग्राफी के लिए मांडू की सबसे अच्छी जगह है। 2रे नंबर पर है बाज बहादुर का महल। यहां आप ऊंचे ऊंचे दरवाजे, महल के बड़े बड़े दालान, महल के अंदर की बावड़ी, बड़ा बगीचा, छतरी नुमा इमारतें और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। और नंबर 1 पर है रानी रूपमती का महल। यह महल काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। इस महल में महल के अलग अलग तरह के गलियारे, बगीचे, एक और पहाड़ी के ऊपर बना महल, खूबसूरत चारों ओर का नज़ारा, जंगल और नर्मदा नदी देख पाते हैं। इसके अलावा भी कुछ जगह मांडू में देखने वाली हैं, जैसे रेवा कुंड, यहाँ रानी रूपमती पूजा करती थी। चंपा बावड़ी, जिसका पानी चंपा फूल की तरह खुशबूदार है। प्राचीन हिंदू बावड़ी, जो कि जहाज महल में स्थित है। बड़े तालाब, तालाब के बीच बने टापू और पुराने शहर के दरवाजे, ये सब। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।